ट्रॉफी जीतने के बाद सना इमोशनल हुई और वहां मौजूद अपनी मां को गले लगा लिया। फिनाले में सेट पर सना को सपोर्ट करने के लिए उनकी बहन और बॉयफ्रेंड कहे जाने वाले श्रीकांत बुरे रेड्डी भी मौजूद थे। रैपर नेजी फर्स्ट और रणबीर चौरी सेकंड रनर अप रहे। वहीं टॉप 5 फाइनलिस्ट में कृतिका मलिक और साई केतन राव पहले ही बाहर हो गए थे। शो में सना 3 वजहों से चर्चा में रही। रैपर नेजी के साथ उनकी दोस्ती, रणबीर चौरी के साथ उनका मस्ती मजाक भरा रिश्ता और यूट्यूबर शिवानी कुमारी के साथ उनकी बहसबाजी काफी चर्चाओं में। सना जी सना जी बिग बॉस विनर सना मकबूल ने ट्रॉफी जीतने के बाद कहा कि पहले दिन से बिग बॉस की ट्रॉफी जीतना चाहती थी और लगातार यही कोशिश भी कर रही थी। आज जब मैं विनर बनी तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले की। घर में हर कोई मेरे ऊपर कमेंट करता रहा, पर आज मैंने ये ट्रॉफी जीतकर सभी को जवाब दे दिया। ये मैं भी बोलती हूँ कि अगर कोई बड़ा हो तो छोटा उसे कभी बदतमीजी से बात ना करे, बट अगर बड़े को ही तमीज नहीं हो बात करने की, लहजा नहीं हो उनका सही, तो आप आई एम सॉरी बट अगर कोई आपसे एकदम स्नूटी वे में बात करे ना तो इट्स नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई थिंक रणवीर जी से मैंने हमेशा रणवीर जी करके बोला है। मैंने अपना आपा अगर खोया है क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की है। अगर आप मुझे और कृतिका को कंपेयर करोगे, उन्होंने हमेशा कृतिका को एक सॉफ्टर वे में बोला है और हमेशा व्हेन आई हैव एवर स्पोकन टू हिम उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे ऐसे हाँ क्या, सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक। अब रिश्ते की तो मतलब आई डोंट नो, फॉर मी इट्स लाइक ECG में एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आई थिंक मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ ऐसे स्ट्रेट है। मैं जिद्दी हूँ और मैं डीवा हूँ। मैं इतना ही बोलूँगी दैट मुझ में आई थिंक सब में वो चाह होती है सेल्फ लव की, बस इतना डिफरेंस है कि कोई कोई लोग बोल नहीं पाते और मैंने सिर्फ उस चीज़ को बोला है। आई डू लव माई सेल्फ एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक मैं ना रिश्ते जल्दी बनाती नहीं हूँ एंड अगर आप मेरी जर्नी देखोगे ना तो एज आई सेड मेरा फोकस बहुत क्लियर था। मुझे लगता है कोई रियलिटी शो में रिश्ते नहीं बनते, बट यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए हैं एंड आई थिंक वो दोस्त को मैं ज़िंदगी भर रखूँगी। रही बात विशाल और लवकेश और शिवानी की जाने की, तो आई थिंक दो नहीं मैं बोलूँगी 3 दोस्त जब गए तब मेरा दिल टूटा था। अगर आप देखोगे गेम के एंड पड़ाव पे ना पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया। दे डिडंट लाइक मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, they never liked me and I think जब मेरे दोस्त जा रहे थे तो कई हद तक मुझे अकेलापन लग रहा था कि यार ये जा रहे हैं यार shit, but जाते जाते विशाल ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी। एंड आई थिंक आई लिव अप टू दैट। एक एपिसोड में मुनव्वर आए थे, पूछा था कि सना टॉप 3 में तुम किसको देखते हो, तो
तो मैं अगर जर्नी इवेल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेजी का नाम लिया था, मैंने अपना नाम लिया था और मैंने कहा था कि नेजी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ है, बहुत नेक है, उसने कभी किसी की बुराई, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एंड रही बात मेरा और नेजी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल है। मैं एक बात आप सबसे ये चीज़ जरूर बोलना चाहूँगी, ये सही हद तक मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि ना हम घर के वो चार बदमाश बच्चे थे, मैं शिवानी लवकेश विशाल, हम चार वो बदमाश बच्चे बाकी घर वालों के लिए थे कि यू नो ये थोड़े एक अपनी चौकड़ी बोलते थे कि ये लोग यू नो नोबडी लाइक अस। सो और अगर देखा जाए तो ग्रुप्स में अब ये ख़त्म हुआ है, 42 डेज़ के बाद मैं बाहर आया हूँ और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज़ में, जिसके पास मैं वापस जाऊँगा और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊँगा। क्या सर? सना ट्रॉफी जीतने के बारे में मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आँखों पर मानता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे जीतने के लिए। सर बिग बॉस एक रियलिटी गेम है, पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस ने एक रियलिटी गेम खुद से खेल दिया, क्योंकि जैसे जिस तरह से लवकेश अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए ना कि वोटों के दौरान, तो काफ़ी लोगों का कहना है ये अनफेयर है, इस पर आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। सर, साना नहीं तो कौन लीडर था? जी साना नहीं तो लीडर भी कौन? मैं था, अरमान था और भी लोग थे। आपको लगता है अरमान मलिक को विनर बनाते तो अच्छा मैसेज जाता? यार उस मतलब मैसेज का क्या, जो जीत जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए, उसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल। मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वह कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। तीन कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूं, बट इतना लिबरल तो मैं भी हूं कि अगर तीन कंसेंटिंग अडल्ट अपने किसी अरेंजमेंट में खुश हैं, मैं नहीं समझता हूं उसमें किसी को आपत्ति कोई होनी चाहिए। पर अरमान मलिक की पत्नी कृतिका ने फिनाले के बाद विनर सना के बारे में क्या कहा वो देखिए। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हम तीनों बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते फैमिली को, और शादी हो गई है, इसको 7 साल हो गए, जब हम लोगों ने शादी की थी हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, चीज़ें हो गई, बस यही है कि हाथ जोड़ के सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते दो शादियों को। और उस टाइम पर जब मैं बिग बॉस के घर में थी तो ऑलमोस्ट मुझे 35 डेज हो चुके थे, 35-35 दिन से अपनी फैमिली से दूर थी, पायल से दूर थी, अपने बच्चों की कोई खबर नहीं थी, तो अचानक से इतने सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पुट करे। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो चीज़ें हुई वो एक मतलब कि बोलते कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था जो चीज़ें हुई और बहुत ही अलग चीज़ है, तो पर जो लोगों के क्वेश्चन थे ना वो कहीं ना मुझे हर्ट कर रहे थे और मुझे ये चीज़ सुनने में आई थी कि पायल के बारे में जो लोग बोल रहे थे तो वो चीज़ों के बारे में मुझे ना टेंशन सी हो रही थी, मतलब कुछ चीज़ें मुझे खाई जा रही थी। और हम बिग बॉस के घर में थे, मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को पूछ सकूं क्या वो ठीक है, क्या मेरे बच्चे ठीक है, तो बस एक होता है ना कि आप 35 दिन से भरे हुए थे और वो उस दिन जो बातें हुई उस बातों से मुझे तोड़ दिया और मैं इमोशनली ब्रेकडाउन हो